क्या आप जानना चाहते हैं कि क्लाइंट से समझदारी से कैसे बात की जाती है? बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि मैम आप क्लाइंट से कैसे बात करती हैं, आपका अपना ज़ाती तरीका क्या है क्लाइंट से बात करने का, वो हमारे साथ शेयर करें। तो जी आज के इस वीडियो में हम शेयर करेंगे वो तरीका जो ओवर द ईयर्स मैंने इस्तेमाल किया है क्लाइंट से बात करने के लिए, और ये सिर्फ एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसकी 4-5 वीडियोज़ बनाऊँगी, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। एंड वाइजली समझदारी से दानश्वरी से क्लाइंट से कैसे बात करनी होती है और ये आपके लिए किस तरह वर्क करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे चलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रिंग नोटिफिकेशंस का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मुफीद मालूमात आप तक पहुंचती रहें। तो आज हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि हाउ टू टॉक टू क्लाइंट्स विद विजडम। नंबर वन चीज़ जो हमने इस सारी बात के अंदर कंसिडर करनी है वो ये है कि आपका टोन ऑफ वॉइस बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस टोन से बात कर रहे हैं। थिंक ऑफ योर टोन ऑन अ स्पेक्ट्रम एंड उसके अंदर अंदाज़ा लगाएं कि आपकी टोन जो है वो कहाँ फॉल कर रही है। अगर ये एक स्पेक्ट्रम समझते हैं, यूँ स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, उसके अंदर फॉल कर रहे हैं। आप ये देखें कि आपकी वॉइस एक स्पेक्ट्रम के अंदर किधर फॉल कर रही है। हाँ, स्पेक्ट्रम समझने का आसान तरीका, जब हम वॉइस का आइकन बना होता है अक्सर हमारे लैपटॉप्स में, फ़ोन में, उसके आगे वो लाइन्स बनी होती हैं 1, 2, 3 ऐसे कर्व की फॉर्म में, है ना, 4-5 लाइन, सो दैट्स बेसिकली अ स्पेक्ट्रम। तो आपने देखना है कि आपकी टोन ऑफ वॉइस स्पेक्ट्रम में कहाँ है। समझे, मैं बात करते हुए आपको मिसाल देती हूँ, मैं लो स्पेक्ट्रम में बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जी मैं ठीक हूँ, क्या काम मैं आपका कर सकती हूँ? ये दिस इज़ अ वेरी लो स्पेक्ट्रम, आपको पहले ही आवाज़ सुन के समझ आ रही है ये तो बिल्कुल पहले लेवल पर फॉल कर रहा है। दूसरा, हाँ जी मैं ठीक हूँ, बताएं मैं आपका क्या काम कर सकती हूँ? सेकेंड लेवल ऑफ स्पेक्ट्रम है, हाँ मैं ठीक हूँ, आपका क्या काम कर सकती हूँ? थर्ड लेवल ऑफ स्पेक्ट्रम, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका क्या काम कर सकती हूँ? फोर्थ लेवल ऑफ स्पेक्ट्रम। सो अपनी टोन को ज़रूर देखें कि आपकी टोन स्पेक्ट्रम में कहाँ फॉल कर रही है, और आपकी टोन क्लाइंट के साथ भी मैच करनी चाहिए। अगर क्लाइंट बहुत हाई एनर्जी में है तो आपको भी हाई एनर्जी में होना चाहिए, अगर क्लाइंट मिड एनर्जी में है तो आप भी मिड एनर्जी में, अगर क्लाइंट बिल्कुल लो एनर्जी में है तो ये नहीं कि आप बिल्कुल लो हो जाएँ, लेकिन उससे एक स्पेक्ट्रम आगे रहें, बट बहुत ज़्यादा आगे भी ना चले जाएँ। अगर वो कह रहे हैं Hi, it's nice to talk to you. Can we talk about how do you develop websites? I was like, yeah, I'll just walk you through how I'm going to develop your website. इतना ज़्यादा भी नहीं, अगर वो इतना लो है तो आप उसके थोड़ा करीब रहें, ठीक है, जैसे हमने रैपिड की बात समझी है ओवर द प्रीवियस वीडियोस। फिर नेक्स्ट थिंग इज़ यूज़ पॉजिटिव लैंग्वेज। पॉजिटिव लैंग्वेज का मतलब है पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल करें, नेगेटिव वर्ड्स जैसे नॉट, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, पेन, लॉस, डेस्परेट, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये आपने कभी नहीं इस्तेमाल करने। आपने पॉजिटिव वर्ड्स प्रॉफिट, सेल्स, रेवेन्यू, इंक्रीज, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, सो एक्साइटेड, ठीक है, सक्सेस, वी विल सक्सीड टुगेदर, आई एम श्योर यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। नहीं, क्यों आप डिसअपॉइंटेड का लफ्ज़ ही क्यों इस्तेमाल करें? आप कहें आई एम श्योर यू विल बी एक्साइटेड, ठीक है, सो नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज़ करने, पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने हैं। देन थर्ड पॉइंट इज़ बी ब्रीफ बट नॉट ब्रस्क। इसका क्या मतलब है कि ब्रीफ ज़रूर रहें लेकिन बिल्कुल किसी को स्नब ही ना कर दें, कट ऑफ ही ना कर दें कि उसको लगे आप बदतमीज़ी कर रहे हैं। ब्रीफ से मुराद है कि किसी को मुख्तसर बात बताएं, जामे बात बताएं, लेकिन ब्रस्क का मतलब है कि बदतमीज़ी ना करें किसी के साथ। अगर कोई आपसे पूछ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपसे पूछ रहा है वॉशरूम कहाँ से जाना है, आप कहें आगे से जाएँ, दाएँ हाथ मुड़ जाएँ, अगर ये ब्रीफ तरीका है, जामे तरीका बताने का। अगर कोई वॉशरूम कैसे जाना है, दाएं बजाओ, ये ब्रस्क है। सो यू डोंट हैव टू बी ब्रस्क, यू हैव टू बी ब्रीफ, ठीक है। अगर क्लाइंट आपसे कोई बात पूछ रहा है तो उसे जामे तरीके से एक्सप्लेन करें, लेकिन रूड होने की या बिल्कुल वन वर्ड आंसर्स, ओके, नाइस, थैंक यू, नोटेड, इस तरह के रिप्लाई नहीं, श्योर आई हैव नोटेड दिस एंड आई विल गेट बैक टू यू, दैट इज़ ब्रीफ, नोटेड, थैंक यू, ओके, टी सी क्या है यार, ऐसे नहीं करना, ठीक है। फिर रिप्लाई इन अ टाइमली मैनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात हर बंदे को अपने वक्त की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, अपने वक्त को सब लोग इम्पॉर्टेंट समझते हैं, एंड हर क्लाइंट को वही फ्रीलांसर या वही इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर पसंद आता है जो उसको टाइम पे रिस्पॉन्ड करे। अगर एक बंदे को हम आज मैसेज कर रहे हैं, वो परसों रिप्लाई करेगा, तो हमने परसों के बाद उसको दोबारा कभी मैसेज ही नहीं करना, मैं तो कम अज़ कम नहीं करती। अगर मैं किसी से आज बात पूछ रही हूँ और मुझे एक हफ़्ते बाद जाके जवाब मिलेगा तो मैं ज़िंदगी में दोबारा कभी उससे कोई बात नहीं पूछने वाली। तो आपने भी ये करना है कि टाइमली मैनर में, स्पेशली जब आप अपवर्क, फाइवर, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहाँ आपका रिस्पॉन्स टाइम नोट भी हो रहा होता है। फेसबुक के ऊपर अगर
अगर कस्टमर्स आपसे ऑर्डर कर रहे हैं तो आप कब उनको रिप्लाई करते हैं, आपका रिस्पॉन्स टाइम नोट हो रहा होता है. सो हमेशा एक टाइमली मैनर में रिस्पॉन्स करें, यह आपके क्वालिटी ऑफ सर्विस को मैयर करने का एक मेरिट होता है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज ऑलवेज यूज योर कस्टमर्स नेम. अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है कि हर इंसान अपने नाम के साथ बहुत हाईली एफिलिएटेड होता है और 70 to 80% ऑफ द टाइम्स वो अपने नाम पे ही ध्यान दे रहा होता है. अगर हम एक कमरे में बैठे हैं और सारे लोग बात कर रहे हैं, मैं किसी की कोई बात पे कोई ध्यान नहीं दे रही, लेकिन जहाँ किसी ने कहा दानिया ने ऐसा किया था, दानिया बोली थी, दानिया का आइडिया था, तो मैं फ़ौरन अटेंटिव हो जाऊँगी. अभी पिछले दिनों जैसे वो एक प्रॉब्लम चल रहा है हमारे सोशल मीडिया पे, मैं इतनी एम्बेरस रहती हूँ कि यार मेरा नाम क्यों है दानिया आखिर. सो नाम की इतनी ज़्यादा एसोसिएशन होती है किसी के भी साथ. जब आप क्लाइंट से बात करें तो उसको उसके फर्स्ट नेम से एड्रेस करें, इससे वो आपसे कनेक्टेड फील करेगा, आपसे पर्सोनिफाइड फील करेगा. हाय जॉन, हाय जॉन, ओके जॉन, आई गॉट इट जॉन, आई गॉट योर बैक जॉन, डोंट वरी जॉन, आई एम हियर फॉर यू जॉन. ठीक है, सो बार बार उसका नाम लेते रहना है आपने एंड उसका नाम लेकर. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज टॉक देयर टॉक. जो वही रैपर्ट वाली बात है कि जो बात वो करें वही उसी किस्म की बात करें, उन्हीं जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करें, उन्हीं जैसी लैंग्वेज इस्तेमाल करें, उसी की तरह का स्टाइल अपनाएं. इतना ज़्यादा ना करें कि उसको लगे आप उसको इमिटेट करें, आपसे कॉपी कर रहे हैं, लेकिन उसको ऐसा ज़रूर लगे कि आप और वो एक ही बात करें, एक ही पॉइंट पे हैं. ठीक है, बी केयरफुल विद जोक्स, ये बहुत ज़रूरी बात है. आई हैव ऑल्सो लर्नड इट द हार्ड वे. हम आपस में जो मजाक करते हैं दैट्स वन थिंग, लेकिन हम क्लाइंट्स के साथ जो जोक करते हैं दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग. आपने प्रोफेशनल हर हाल में रहना है. कोई क्लाइंट्स होते हैं वो आपसे खुद जोक करते हैं, वो तो अब आपके साथ जोक कर लेंगे, लेकिन आप आगे से इस किस्म का ऑफेंसिव और फजूल किस्म का जोक कर देंगे जो उनके कल्चर के लिए बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट होगा, तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना. जैसे ब्लैक अमेरिकन जोक्स आप नहीं कर सकते किसी ब्लैक अमेरिकन के साथ, वो फ़ोन में से निकल के आपको मारना शुरू कर देगा. सो बी वेरी केयरफुल. बेशक आप अगर आपको नहीं अंदाज़ा कि क्या होते हैं तो आप 10-12 प्रोफेशनल जोक्स पढ़ लें, याद कर लें, ताकि आप वही इस्तेमाल करें, कोई और ना करें. ठीक है, क्रिएट अ स्पोर्ट्स स्टाइल गाइड, कि उनको पता हो कि अगर आप अवेलेबल हैं किन किन वक्तों में आप अवेलेबल होते हैं, अगर आप नहीं हैं तो सेकंड पर्सन कौन है जिसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, किन किन सूरतों में कांटेक्ट कर सकते हैं, कब कब, ताकि उनको पहले ही पता हो. ये नहीं कि अगर आपकी कोई ईद हॉलीडेज आ गई या आप चले गए हैं तो क्लाइंट पैनिक कर जाए, 8 दिन हो गए, मेरा बंदा कहाँ चला गया, पैसे लेके तो नहीं भाग गया ये वो. सो आपने उसे पहले ही बताया हो कि यार हमारे ईद हॉलीडेज आएंगे, उसमें हम अवेलेबल नहीं होते, बट हाँ फलां बंदा या फलां टाइम पर मैं अवेलेबल हूँगा, या स्काइप पर तो मुझे रीच आउट कर सकते हो, इन केस ऑफ इमरजेंसी तो मुझे ईमेल कर सकता हूँ. सो अपना स्पोर्ट स्टाइल गाइड उसके सामने पहले ही क्लियर रखें. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंड लास्टली सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि टेम्पलेट सेव करके रखें सेव्ड रिप्लाइज़ के लिए. जैसे अपसेलिंग होती है, जब प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो फीडबैक लेना होता है, या अब हमने उसे पहले वेबसाइट बना के दिया, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस ऑफर करने लगे हैं, तो बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं जो हम पहले से बना के रख सकते हैं, जो हमारा टाइम भी सेव करते हैं, हैसल भी सेव करते हैं. एंड जब हमें पता होता है कि ये टेम्पलेट हमने 10 क्लाइंट्स को भेजा था और उसमें से 8 का पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, तो वो फिर हम 11वें को भी भेज सकते हैं. लेकिन टेम्पलेट्स आपके अगर पहले से सेव्ड रिप्लाइज और टेम्पलेट्स बने होंगे तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, आपकी एफर्ट भी सेव हो जाएगी, और आपके क्लाइंट्स के ऊपर आपके होल्ड भी बेहतर होता जाएगा. आई होप कि आपने इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा. अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें. अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझसे सवालों में ज़रूर पूछें, कमेंट्स में सवाल करें. आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए वही सवाल हैं आप लोगों के बेसिकली, जिनके मैं ये आंसर्स करूँ, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि क्लाइंट कम्युनिकेशन की वीडियोज़ के ऊपर जो टॉप क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँगी, तो ये आपके ही टॉप क्वेश्चन में से मैं पिक करके उनके ऊपर कॉन्टेंट बना रही हूँ. अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मोहब्बतें बांटें. dankash.com 0304 triple 15786